हेलो फ्रेंड्स, नीरू रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड गुलाब जामुन, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। इसे मैं दूध और मलाई के साथ बनाऊंगी। ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। बहुत ही सॉफ्ट अच्छी गुलाब जामुन बनी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें शुगर सिरप प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए एक बाउल में मैंने 2.5 कप पानी लिया है। जब पानी हल्का सा बॉईल हो जाए तो इसमें हम 3 ग्रीन इलायची डालेंगे, वो तोड़कर डालेंगे। अब हम इसमें 2 कप चीनी लेंगे और इसको 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर चलाते हुए मिक्स करेंगे। जब चाशनी हमारी बनकर तैयार हो जाए तो इसको ढककर साइड पर रख देंगे। ये देखिए जब चाशनी बनकर तैयार हो गई है, अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसमें गुलाब जामुन बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं वो देखते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, जिसके कॉर्नर भी मैंने साथ में ब्लेंड किए हैं। तो इसका ये फाइन पाउडर बन गया है। 2 टेबलस्पून घी लिया है अच्छे फ्लेवर के लिए, 4 टेबलस्पून मिल्क लिया है रूम टेम्परेचर पर, 5 टेबलस्पून मलाई ली है, जो थिक पोर्शन होता है मलाई का मैंने वो यूज़ किया है, और काजू का पाउडर लिया है थोड़ा सा 1 टेबलस्पून, और आलमंड है जो बादाम है उनको मैंने लॉन्ग कट किया है, गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसे ब्रेड का डो लगाना कैसे लगाना है वो तैयार करते हैं। ब्रेड का डो लगाने के लिए सबसे पहले हमने एक बड़े बाउल में जो ब्लेंड किया हुआ ब्रेड का पाउडर है वो लेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून के करीब मलाई लेंगे। इसको अच्छे से हाथों के साथ मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो धीरे धीरे करके हम इसमें मलाई डालेंगे। अब 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं घी ले रही हूँ, इसे अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर 3 टेबलस्पून मिल्क ले रही हैं, ये आप जैसा आपको टाइम पर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मसल कर गूंदेंगे। गुलाब जामुन का डो सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट गूंदा है। इसी तरह से हमने आटा लगाना है। अब इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 10 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून शुगर लिया है और 1 टेबलस्पून कैशू पाउडर लिया है, काजू का पाउडर लिया है, इसको मिक्स कर लिया है। स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे और देसी घी हाथों को ग्रीस करने के लिए लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर गूंदा हुआ जो डो है उसके ऊपर लगाएंगे, अच्छे से इसको एक बार फिर से डो लगाएंगे। अब हम इसके छोटे छोटे डो बनाएंगे। गुलाब जामुन तैयार करना है तो इसके लिए सबसे पहले इसका सरफेस है उसको फ्लैट करेंगे, इसमें हम स्टफिंग करेंगे। अब इसको अच्छे से सील कर देंगे और इसको अच्छे से रोल कर देंगे। इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कोई क्रैक नहीं है। मैं थोड़े बड़े गुलाब जामुन बना रही हूँ, आपकी इच्छा आप छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना सकते हैं। तो इसी तरह से सभी के हम छोटे छोटे गुलाब जामुन बना लेंगे। इस तरह से सभी हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लेंगे, उसमें सभी गुलाब जामुन को ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। ये स्टेप हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे, धीरे धीरे हम मूव करेंगे। इससे क्या होगा, सारे गुलाब जामुन अच्छे से डिप हो जाएंगे। कम से कम इसको 10 मिनट्स के लिए हम मीडियम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग में इसको गुलाब जामुन को लो फ्लेम पर डाल देंगे उसको ब्रेड सारा निकल जाएगा। तो इसे सबसे पहले हम जब डालते हैं इनको तेल में तो हाई फ्लेम पर ही डालेंगे, मीडियम हाई फ्लेम पर डालेंगे। यहाँ पर इसका कलर चेंज होने लगा है।
थोड़ी देर में इसका कलर, अब इसको थोड़ा सा और थोड़ा फास्ट करेंगे गैस, इससे क्या होगा अंदर से तो हमारे गुलाब जामुन पक गए हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे गुलाब जामुन का कलर आया है। अब इसको जो पहले सिरप तैयार किया था उसमें डिप करेंगे गुलाब जामुन को, और 1 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे अदरवाइज़ हमारे गुलाब जामुन ओपन हो जाएंगे। अब इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए इसी चाशनी में छोड़ देंगे। अब हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं 1 घंटे के बाद। अब इसको आप किसी के साथ काजू बादाम पिस्ता कोकोनट पाउडर किसी के भी साथ गार्निश कर सकते हैं। तो अब हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।